हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाइन इक्विटी। कैसे दोस्तों आप सब लोग। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मंडे के दिनों के क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस मार्केट के प्रेडिक्शन के बारे में। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में कैसे मोमेंटम हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेना ताकि आपको डेली अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस चलो सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। तो गाइस, क्रूड ऑयल में फिलहाल के दिनों हम देखें थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है कुछ दिनों से मार्केट में, और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा था जो गाइस 7800 के नीचे, वो था 7500 का, और गाइस 7500 से हमने बाउंस बैक देखा है हम लोग ने मार्केट में, और 7800 के नीचे हमने शॉर्टफॉल देखा। तो गाइस कहीं ना कहीं मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल में। अब क्या एक्सपेक्टेड मूवमेंट है गाइस मंडे के दिनों में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में। देखो गाइस, क्रूड ऑयल में ना गाइस सबसे पहले बात बताना चाहूँगा, 7800 के नीचे हम शॉर्टफॉल देखेंगे जिसका नेक्स्ट टारगेट होगा 7500 के लिए। 7800 के नीचे 7500 आ सकता है। हाँ, अगर 7500 के नीचे सस्टेन करता है तो गाइस 7200 भी आ सकता है। ठीक है, अगर क्रूड ऑयल 7800 के ऊपर सस्टेन करता है कुछ समय के लिए तो गाइस टारगेट होगा 8000 के करीब। अगर 8000 के नीचे सस्टेन करता है तो गाइस वापस 7800 के नीचे आ सकता है। ठीक है, मतलब 7800 से लेकर 8000 के बीच में रेंज बाउंड होगा मार्केट। हाँ, 8000 के ऊपर क्लियर इंडिकेशन होगा मार्केट कॉल होगा करके। 7800 के नीचे टारगेट होगा 7500 का, 7800 के ऊपर टारगेट होगा 8000 का। तो गाइस ये मेरा व्यू है गाइस क्रूड ऑयल के ऊपर। चलो गाइस बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में। देखो, नेचुरल गैस में कल के दिनों हमने लगभग 50 से 60 पॉइंट का मूवमेंट देखा अप लो एंड हाई के बीच में। तो गैस मैंने एक चीज़ क्लियरली कहा था कि अगर नेचुरल गैस 540 के नीचे जाता था गैस तो कहीं ना कहीं टारगेट आएगा 510 के करीब। तो गैस कल का जो लो था 511 का रहा, मतलब कहीं ना कहीं मैं गैस मैंने 25 से 30 पॉइंट का मोमेंटम दिया हमारे पेड ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पर तो फ्यूचर्स में। तो गैस मेरा जो टारगेट था कल के दिनों में नेचुरल गैस में वो आ चुका था, बट वहाँ से हमने एक बाउंस बैक देखा नेचुरल गैस में बिकॉज एक सपोर्ट एरिया बन चुका था। घड़ी घड़ी रेंज बाउंड में ट्रेड करने के बाद मार्केट ने वहाँ से बाउंस बैक लिया जो कि कल के दिनों में लगभग अच्छा खासा हाई बना के क्लोज किया। ठीक है, अब कल के दिनों में क्या एक्सपेक्टेड मूवमेंट है, मतलब मंडे के दिनों में क्या एक्सपेक्टेड मूवमेंट है। अगर नेचुरल गैस 560 क्रॉस करता है, गैस मैंने एक चीज बताया था 560 क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करता है तो गैस नेक्स्ट टारगेट होगा 580 का, एंड 580 क्रॉस करता है टारगेट होगा 620 का। ठीक है, बट गैस थोड़ा मुश्किल होगा मेरे ख्याल से नेचुरल गैस को 560 के ऊपर सस्टेन करके 580 तक क्रॉस करना। हाँ, ये बोल सकता हूँ अगर नेचुरल गैस 550 के नीचे आकर नीचे सस्टेन करता है तो टारगेट लेकर चल सकते हैं 530-520 के करीब। ठीक है, मेरा व्यू है कि मार्केट में गिरावट देखेंगे नेचुरल गैस में, जो टारगेट है 500 तक आ सकता है आने वाले दो दिनों के अंदर। ठीक है, तो गैस आप शॉर्ट पोजीशन लेके ही चलना 550 के नीचे, 560 के ऊपर 580 का टारगेट, देन 620 का टारगेट, ये आपको लेके चलना है। ठीक है, तो गाइस अगर आपको मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड जरूर बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, शुक्रिया, टेक केयर।